नमस्कार, मैं हूँ योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड की जनता और नेता पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं, इस कारण हर तरफ दो बातों का शोर है। नंबर एक, हम सत्ता में आए तो यह फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, इतने रुपए हर माह महिलाओं को दिए जाएंगे, उसको दिए जाएंगे, इसको दिए जाएंगे। और नंबर दो, टैबलेट का पैसा खाते में आएगा, इतनी भर्ती शुरू हो गई है, शिक्षकों का वेतन बढ़ गया है, इसको इतने रुपए का लाभ हो गया है, उसको उतने रुपए का लाभ हो गया है। लेकिन इस गलाफाड़ चिल्लाहट के पीछे कुछ आंकड़े हैं और उन आंकड़ों की बेबस खामोशी है। आइए आज इसी खामोशी और बेबसी को थोड़ा सा नाप लेते हैं। मैं यहां पर बस तीन आंकड़े पेश कर रहा हूं, पहले इन्हें देख ले, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। नंबर एक, आम आदमी पार्टी की महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए और 8 लाख प्रदेश के पंजीकृत बेरोजगारों को हर माह 5,000 रुपए के लिए हर साल 9,300 करोड़ रुपए चाहिए। नंबर दो, उत्तराखंड की सरकार अपने संसाधनों से एक साल में 11,513 करोड़ रुपए कमा पाती है और यह साल 2019 और 20 की आय का आंकड़ा है। माना जा रहा है कि इस साल ये घटेगा ही, बढ़ेगा कतई नहीं। और नंबर तीन, उत्तराखंड में 1,59,740 कर्मचारी है जिनका सालाना वेतन 14,951 करोड़ रुपए है। आपने आंकड़े ध्यान से देख और सुन लिए होंगे। साफ साफ शब्दों में कहे तो उत्तराखंड सरकार अगर अपनी सारी कमाई से केवल कर्मचारियों का वेतन भी दे तो भी रुपए कम पड़ जाएंगे। ध्यान में यह रखना चाहिए कि एक साल में 6,297 करोड़ रुपए पेंशन के लिए भी दिए जाते हैं, यानी जब वेतन के लिए ही रुपए नहीं है तो पेंशन के लिए पैसा कहां से आएगा? यह एक बड़ा सवाल है और इसी को ध्यान में रखकर मैं अपनी अगली बात कहने जा रहा हूं। प्रदेश में सितंबर के बाद से 7 लाख लोगों को पेंशन नहीं मिली है। इस पर कई मीडिया ने बड़ी खबरें दी है। अब इन 7 लाख लोगों में कौन कौन शामिल है, इसकी गहराई में जाकर तो मैं क्या करूंगा, आप भी क्या करेंगे। मैं तो बस हालात बयां कर रहा हूं और यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चुनावी घोषणाएं हो रही है उनका एक सच यह भी है, इन्हें इन आंकड़ों की रोशनी में भी देखने की जरूरत है, चुनावी घोषणाओं को। और ये आंकड़े कोई मेरे नहीं है, यह कैग की रिपोर्ट है, वहां से लिए गए हैं। और अंत में एक और आंकड़ा मैं पेश कर देता हूं, आप गौर कर लीजिए, यह प्लान आयोग की रिपोर्ट से लिया गया आंकड़ा है। न्यूज 18 ने इस पर एक स्टोरी भी चलाई है, आप पूरी रिपोर्ट तो इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, यहां बस एक आंकड़ा ही देख ले। अल्मोड़ा जिले की कई विधानसभा क्षेत्रों में 5 साल में मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई है, यानी लोग पहाड़ छोड़कर जा रहे हैं। इनमें सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में 96,241 वोटर थे जो अब घटकर 95,391 रह गए हैं। इसी तरह रानीखेत में पिछले चुनाव में 78,577 मतदाता थे जो अब घटकर 78,011 रह गए हैं। यानी इन दोनों क्षेत्रों में करीब करीब 1,500 वोटर कम हुए हैं। छोटी छोटी विधानसभाएं हैं पहाड़ में, वहां पर यह संख्या छोटी दिखती है लेकिन बड़ी है, यह ध्यान में रखना चाहिए। और अन्य विधानसभा जो है वहां पर 4, उनमें भी मतदाताओं की संख्या थोड़ी सी बढ़ी तो है लेकिन यह बढ़ोतरी 0 के बराबर है। 5 साल के हिसाब से देखें तो यह कुछ भी नहीं है, यह चिंता की बात है। लोगों को इस चुनाव में ऐसा भी करना चाहिए कि इन आंकड़ों का एक प्रिंट निकाल ले और क्षेत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएं करने आने वाले नेताओं को दिखाकर यह जरूर पूछ ले कि साहब पैसा कहां से आएगा। काश जनता ऐसा कर पाती। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।